हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को आप कर सकते हैं अगर आप ऑफिस गोएंगे, कॉलेज गोएंगे या स्कूल गोइंग गर्ल हैं, तब भी आप इस मेकअप लुक को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं गाइज। और बहुत ही ईजी सिंपल से स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ये मेकअप कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इस मेकअप लुक को किया है गाइज, और बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। और सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और हाँ, एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी और कुछ हेयर स्टाइल भी बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। तो यहाँ पर गाइस, मैं सबसे पहले लगा रही हूँ क्लब का परफ्यूम है ये। मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सबसे पहले परफ्यूम लगा रही हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं पहले परफ्यूम क्यों लगा रही हूँ इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र, और ये मॉइस्ट ऑफ का मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, जो कि मेरी स्किन के हिसाब से भी मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। और मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी गाइस। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये मेकअप लुक विंटर के अकॉर्डिंग भी है, तो इसलिए अपने मेकअप लुक को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा सेट कर लिया है। वैसे आप सोचेंगे मॉइस्चराइजर को सेट करने की जरूरी है, क्योंकि हल्का सा जो थोड़ा सा जो लगता है ना आपको चिपचिपापन सा होता है मॉइस्चराइजर में, वो भी नहीं लगता है। वैसे ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है, तो चाहे तो आप अपने मेकअप लुक को ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने फेस पर कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो भी आपको सूट करती हो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स बीबी क्रीम से ये मेकअप करने जा रही हूँ, तो मैंने फिंगर की हेल्प से इस पॉन्ड्स बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अपने बीबी क्रीम को अच्छे से सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इस स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी, और इसमें जो स्पूली दी गई है उसकी हेल्प से सेट कर लूंगी। तो देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है गाइस, बहुत ही नेचुरल है और इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, और ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ पेंसिल है, तो काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है ये। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये L18 की लिपस्टिक, और इसकी हेल्प से मैं अपना आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं, फिंगर की हेल्प से ही मैंने अपने आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास कोई और पिंक कलर का या नेचुरल से कलर का आई शेडो है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं लिपस्टिक की हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ये मेकअप लुक किया है। तो यहाँ पर गाइस, मैं आईलाइनर के लिए आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ। एक है ये परसोनी का स्केच आईलाइनर है, और एक है लैक्मे का। तो जो भी आपको पसंद हो और जो भी आपको सूट करता हो, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। लैक्मे का भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ये 120 रुपीज़ के प्राइस में मुझे मिल गया था, और स्केच आईलाइनर भी ये मुझे 120 रुपीज़ के प्राइस में मिल गया था। ये मैंने नॉर्मल मार्केट से ही परचेज़ किया है। ये स्केच आईलाइनर काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्लू हेवन का काजल, और मैं यहाँ पर काजल लगा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ L18 की वही लिपस्टिक जो कि मैंने अपनी आईज़ पर एज आई शेडो अप्लाई की थी। तो आप चाहें तो इस तरीके से जस्ट हल्का सा आप लिपस्टिक को एक कोट लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो डार्क भी लगा सकते हैं, और अगर आपको जो भी कलर पसंद हो लिपस्टिक का गाइस, वो आप लगा सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी आपके पास हो वो मेकअप प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये स्विस ब्यूटी का ब्लश लगा रही हूँ। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाईलाइटर, और हाईलाइटर मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है कुछ चीज़ें, तो आप इस तरीके से भी हाईलाइटर को लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है। उसके बाद मैं ADS की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ गाइस। आपको अगर कोई भी कलर पसंद हो, जो भी आपको शेड पसंद हो लिपस्टिक का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है, तो मैं इसलिए ये लगा रही हूँ। और हाइलाइटर गाइस, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप अपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर नहीं लगाना चाहते हैं अगर डे टाइम में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने चीक्स पर और नोज एरिया पर भी लगा सकते हैं हाइलाइटर को, तो इतना काफ़ी है, उससे भी आपका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ मैक का मस्कारा। आप चाहें तो कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप लगा सकते हैं।
इसके बाद मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, जिससे मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी बना रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ हेयर स्टाइल गाइस, बहुत ही सिंपल से बहुत ही ईजी से हेयर स्टाइल है, जो कि मैं खुद भी करती हूँ इस हेयर स्टाइल को, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, कोई भी टेंगल नहीं होने चाहिए आपके हेयर्स में। उसके बाद आप अपने आईब्रोज़ के जो एजेस होते हैं, इस तरीके से अपने बालों का फ्रंट का हाफ सेक्शन ले लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद इसे ट्विस्ट करते हुए एक क्लच की हेल्प से अपना पफ बना लीजिए। आपको कोई और तरीका आता है अगर पफ बनाने का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बैक कॉमिंग से भी पफ बना सकते हैं। मुझे इसी तरीके से आसान लगता है गाइस, क्योंकि मेरे बाल नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, सुलझाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से पफ बना लेती हूँ जब कभी मुझे बनाना होता है। तो स्मॉल सा क्लच ले लीजिए, उसकी हेल्प से आप अपना पफ बना लीजिए। तो दैट्स इट। तो बढ़ते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बैंड, ये आप देख सकते हैं क्लोथ बैंड है, और इसे मैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं इलास्टिक बैंड है ये, और इस तरीके से दैट्स इट। बस ये सेकंड हेयर स्टाइल है आपका, अपने बालों को मैं इस तरह से लगा लीजिए। और गाइस, मेरा काफ़ी फेवरेट हेयर स्टाइल है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, और जल्दी भी हो जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। तो ये देखिए, ये हेयर स्टाइल नंबर सेकंड। और अब बढ़ते हैं हेयर स्टाइल नंबर 3 की तरफ। अब मैं ले रही हूँ वैसे ही अपने बालों का आपने फ्रंट सेक्शन लेना है, इस तरीके से पफ बना लीजिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको बताया था। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपना पफ बना लीजिए, और उसके बाद आप अपनी पोनी बना लीजिए। आप चाहे तो हाई पोनी टेल भी बना सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। तो ये हेयर स्टाइल गाइस एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो कि आपके लॉन्ग हेयर में भी जचेगा और शॉर्ट हेयर में भी अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था मेरा हेयर स्टाइल नंबर 3। अब बढ़ते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये है फोर्थ हेयर स्टाइल, जो कि एवरग्रीन है, हमेशा ही अच्छा लगता है। बस इस तरीके से आप अपने बालों को ओपन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आप अगर ऑफिस गोइंग हैं तो आप इस तरीके से हैंडबैग ले सकती हैं। तो ये देखिए, और ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करूँ तो गाइस, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबकी अपनी एक अलग पसंद होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी वियर कर सकते हैं जो भी आपने पहनना हो। आप चाहें तो कुर्ती और लेगिंग भी पहन सकते हैं अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, या आपने मार्केट जाना है, इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं पर्स को। और नेक्स्ट मैं आपको एक और पर्स दिखा देती हूँ, ये है ब्राउन कलर का पर्स, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का पर्स आपको ऑफिस गोइंग है तो बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से। ये देखिए, कॉलेज में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं इस तरीके का पर्स, क्योंकि ब्राउन कलर एक ऐसा कलर होता है, ब्लैक और ब्राउन हर एक ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच जाता है, तो इस तरीके से भी आप अपने पर्स को कैरी कर सकती हैं अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या ऑफिस गोइंग हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मैंने परफ्यूम सबसे पहले इसलिए लगाया था ताकि हमारी ज्वेलरी वगैरह भी ख़राब ना हो, इसलिए हमें परफ्यूम सबसे पहले लगा लेना चाहिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।